हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस बाय डॉक्टर राज सिहाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र्स। आज हम वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउज़र की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सर्च इंजन क्या होता है, पॉपुलर सर्च इंजन एंड सर्च फॉर कॉन्टेंट देखेंगे, एक्सेसिंग वेब ब्राउज़र, हाउ टू यूज़ फेवरेटीज फोल्डर्स, हाउ टू डाउनलोडिंग वेब पेजेस, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कम्बिनेशन ऑफ आल रिसोर्सिस एंड यूजर ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब एक कम्बिनेशन है सारे के सारे रिसोर्सिस और सारे यूजर्स का, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड वेब एक भंडार है नेटवर्क का, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हो और ह्यूमन नॉलेज को बढ़ाते हो। द वेब एज इट इज़ कॉमनली नोन इज ऑफन कन्फ्यूज्ड विद द इंटरनेट। वेब और इंटरनेट में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। द इंटरनेट इज एज इट्स नेम इम्प्लाइज ए नेटवर्क, ए वास्ट ग्लोबल नेटवर्क दैट इंटरकॉर्पोरेट्स ए मल्टीट्यूड ऑफ लेसर नेटवर्क। एज सच द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या है? वास्तव में एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर का और डिफरेंट डिवाइसेस का, इंफ्रास्ट्रक्चर है एक टेक्नोलॉजीज का। In contrast, the web is a communication model that through HTTP enables the exchange of information over the internet. इसके बदले या इसके opposite जो है, web क्या है? एक communication model है जो कि HTTP hypertext transfer protocol के through जो है information को exchange करता है, information को exchange करता है, communication model बनाता है एक over the internet. फादर ऑफ www, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि टिम बर्नर ली थे, वो फादर थे वर्ल्ड वाइड वेब के। टिम बर्नर ली का जन्म जो है 8 जून 1955 को हुआ था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे और ये इन्वेंटर थे वर्ल्ड वाइड वेब के। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज़ करते हैं हम वेब सर्वर के लिए? मोस्ट वेब सर्वर रन ऑन कंप्यूटर दैट यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वेब सर्वर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 और 2003 सर्वर प्रोडक्ट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ कंपनीज जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो को लेके थोड़ा सा जो है इसकी वीकनेस सिक्योरिटी को लेके चिंता करती है, लेकिन यूनिक्स बेस्ड वेब सर्वर आर मोस्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर एंड मैनी यूजर्स बिलीव दैट यूनिक्स इज ए मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच टू रन ए वेब सर्वर। एक वेब सर्वर को चलाने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही जो है सिक्योर माना गया है और बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हम यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड जो है विंडो एनटी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 है, ये सर्वर भी बहुत पॉपुलर है। व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर रीट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रावर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हो, जिसके हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आप कोई भी यूआरएल टाइप करते हो एड्रेस बार में, तो आपको कोई भी वेब पेज खोलना है, कोई इमेज खोलनी है, कोई वीडियो खोलनी है या अदर पीस ऑफ कंटेंट खोलना है, तो आप उसका एड्रेस या आप उसका यूआरएल जो है टाइप करते हो और एक हाइपरलिंक प्रेजेंट होता है जो कि उस रिसोर्स पे, उस कंटेंट पे आपको ले जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, वेब ब्राउजर इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन विच अलाउ दैट यूजर टू कनेक्ट विद द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब पेजेस, वीडियो, इमेज और अदर इंफॉर्मेशन। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर जो है एक
कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए और एक्सेस करने के लिए वेब पेजेस, वीडियो, इमेज और अदर इंफॉर्मेशन. When was the first web browser developed? First web browser was developed in 1990 by Tim Berners-Lee. टिम बर्नर ली ने जो है फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया था जो कि क्या था WWW वर्ल्ड वाइड वेब था और बाद में इसका नाम नेक्सस पड़ा. एंड इन 1993 मार्क एंडरसन वाज द मैन हु क्रिएटेड ए वेब ब्राउज़र विद ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कॉल्ड मोज़ाइक. 1993 में मार्क एंडरसन ने जो है मोज़ाइक जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेब ब्राउज़र बनाया जिसका नाम बाद में नेटस्केप पड़ा और यही जो है पहला पॉपुलर वेब ब्राउज़र था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो डेस्कटॉप पे यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम है, आप ये पिक्चर से देख रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, इंडेक्स ब्राउज़र, कोकोक, अदर, क्रोमियम, मैक्सथोन और विवाल्डी. वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो मोबाइल पे यूज़ होते हैं क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउज़र, सैमसंग इंटरनेट, ओपेरा, एंड्रॉयड, केओस, क्यूक्यू ब्राउज़र, फायरफॉक्स. How to choose the best web browser? आप best web browser को कैसे choose कर सकते हो? सबसे पहले हमें उसकी speed को देखना होगा. The web browser should render web page in no time. It should be lightning fast. कि ऐसा web browser हमें choose करना होगा जो कि web pages को एकदम से खोले, कोई time ना लगाए, बहुत fast. Privacy and security. उसमें privacy और security के feature होने चाहिए. It should offer data privacy features and should have a security shield for virus and malware. Privacy feature होने चाहिए और security feature होने चाहिए जो कि इसको virus से affect होने से बचा सकें. Basic browsing feature होने चाहिए. उसमें basic browsing feature क्या होते हैं एक web browser के, कि tab browsing, bookmarks manager होने चाहिए, autofill, auto search from the address bar, download manager होना चाहिए, one click clear browser cache होना चाहिए, cookies removal, उसमें basic browsing feature होने चाहिए. Extensions plugin, it should offer a repository of various extension developed by third party के through जो है इसमें extension या plugin का फीचर होना चाहिए. अपडेट्स एंड सपोर्ट, टाइम टू टाइम इसमें अपडेशन होनी चाहिए, सपोर्टिंग फीचर्स होने चाहिए. द डिवेलपर शुड सपोर्ट द डिवेलपमेंट द वेब ब्राउज़र फॉर द लॉन्ग टर्म, कि वो लंबे टाइम तक उस वेब ब्राउज़र को यूज़ कर पाए. एंड शुड प्रोवाइड फ्रिक्वेंट अपडेट टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए फ्रिक्वेंट अपडेट्स होने चाहिए उसमें. तो ये कुछ जो है इसमें फीचर्स थे जिससे हम वेब एक अच्छा वेब ब्राउज़र चूज़ कर सकते हैं. फिर फीचर्स क्या होने चाहिए वेब ब्राउज़र में? मोस्टली वेब ब्राउज़र हैव दीज यूज़र इंटरफेस फीचर. अलाउ द यूज़र टू ओपन मल्टीपल पेजेस एट द सेम टाइम. जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मल्टीपल पेजेस को सेम टाइम में खुलने में, आइदर इन डिफरेंट ब्राउज़र विंडो, चाहे वो डिफरेंट ब्राउज़र विंडो में हम खोल रहे हो या इन डिफरेंट टैब्स ऑफ द सेम विंडो. हर वेब ब्राउज़र में मोस्टली बैक एंड फॉरवर्ड बटन होते हैं टू गो बैक टू द प्रीवियस पेजेस विजिटेड और फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट. बैक एंड फॉरवर्ड बटन होते हैं मोस्टली वेब ब्राउज़र में, ए रिफ्रेश और रीलोड एंड ए स्टॉप बटन टू रीलोड एंड कैंसिल लोडिंग द करंट पेज. एक उसमें रिफ्रेश और रीलोड बटन होता है और एक स्टॉप बटन होता है जो कि करंट पेज को कैंसिल करने में या स्टॉप करने में हमारी हेल्प करता है. ए होम बटन टू रिटर्न टू द यूज़र होम पेज, एक होम बटन होता है. एन एड्रेस बार टू इनपुट द यूआरएल ऑफ ए पेज एंड डिस्प्ले इट, एक एड्रेस बार होता है जिसमें आप यूआरएल को टाइप करते हो किसी पेज के और वो ओपन होता है. ए सर्च बार टू इनपुट टर्म्स इनटू सर्च इंजन, एक सर्च बार होता है मोस्टली वेब ब्राउज़र में जो कि सर्च इंजन में आप इनपुट्स को टाइप करने में आपकी हेल्प करता है. नेट मार्केट शेयर ऑफ वेब ब्राउज़र, जो मोस्टली पॉपुलर वेब ब्राउज़र है वो कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम. ये देखिए 69.53% यूज़ होता है. माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, फिर उसके बाद मोज़िला, फायरफॉक्स, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, क्यूक्यू ब्राउज़र, सोगो एक्सप्लोरर, ओपेरा, इंडेक्स ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, देन अदर्स.
अब हम बात करेंगे हाउ टू एक्सेस वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, वो आपको विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉल मिलते हैं। आपको अलग से उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स है, यही जो है मोस्ट फॉर पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। इनको एक्सेस करने के लिए गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये स्लाइड में देखिए। तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र करने के लिए जो है सर्च इंजन में गूगल क्रोम लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम लिखते हो तो आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगी, और इसमें जो मैंने आपको येलो एरो से दिखा रखा है, यहाँ से डाउनलोड क्रोम या फिर यहाँ से डाउनलोड क्रोम से आप इसको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, और आप अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को आराम से एक्सेस कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह ही हम जो है फायरफॉक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है उसमें सर्च इंजन में एड्रेस बार में हमें डालना पड़ेगा mozilla.org या फिर mozilla फायरफॉक्स। जैसे ही हम डालेंगे तो हमारे पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी डाउनलोड फायरफॉक्स, और हम इस बटन से डाउनलोड फायरफॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और हम आसानी से अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे या अपने जो है कंप्यूटर पे हम जो है मोज़िला फायरफॉक्स का जो वेब ब्राउज़र है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इज ए वेबसाइट थ्रू विच यूज़र कैन सर्च इंटरनेट कॉन्टेंट। एक सर्च इंजन वेबसाइट है जिसके थ्रू यूज़र जो है कुछ भी कंटेंट जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। टू डू दिस यूज़र एंटर द डिज़ायर्ड सर्च टर्म इनटू सर्च फील्ड। द सर्च इंजन देन लुक्स थ्रू इट्स इंडेक्स फॉर रेलिवेंट वेबसाइट एंड डिस्प्ले देम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे ही आप सर्च इंजन में कुछ भी टाइप करते हो, कोई भी आइटम आपको टाइप करनी है, उससे रिलेटेड आपको ढेरों जो है वेबसाइट्स मिल जाएंगी, पेजेस मिल जाएंगे, और उस पे जाके आपको लिस्ट मिलेगी डिफरेंट वेबसाइट्स की, डिफरेंट पेजेस की। उस पे क्लिक करके उसके बारे में, आप उसी आइटम के बारे में पर्टिकुलर ढेरों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो आज तक हमने सर्च इंजन यूज़ किए हैं, 1990 से 2000 तक हमने कौन कौन से सर्च इंजन यूज़ किए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 93 की, जहाँ तब हमने W3 कैटलॉग, एलीवेब, जंप स्टेशन, www वॉम जो है सर्च इंजन यूज़ किए थे। 94 में वेब क्राउलर, go.com, लाइकोस, इन्फोसिक, फिर 95 में याहू सर्च, डैम, मैगलिन, एक्साइट, सैपो, मेटा क्राउलर, अल्टा विस्टा। फिर 96 की बात करें हम, रैंक डेक्स, डोपाइल, इंक टॉमी, हॉटबॉट, आस्क जीव्स, ऐसे कुछ सर्च इंजन यूज़ किए थे। 97 में ओल, नेटफाइंड, नॉर्थन लाइट, येंडेक्स। 98 में हमने गूगल, लिक्सक्विक, एमएसएन सर्च, एम्पास। फिर 99 में हमने अल्थावेब, जीनी नोज, नेवेर, टियोमा, एंड 2000 में बियोडो, एक्सलीड एंड जीगा ब्लास्ट, डिफरेंट जो है सर्च इंजन अब तक यूज़ किए हैं। फिर 2000 से लेके 10 तक जो सर्च इंजन आए, कार्टू, info.com, स्क्रगूल, 2004 में a9.com, क्लस्टी, मोजीक, सोगू, 2005 में सर्च मी, किड्स सर्च, 2006 में सोसो, क्वेरो, search.com, छाछा, ask.com, लाइव सर्च, 2007 में विकीसीक, स्प्रूज, विकिया सर्च, blackl.com, 2008 में PowerSet, PicoLutter, Wizzy, BookMe, LeapFish, Forestry and DuckDuckGo, और 9 में जो है Bing, Yebo, Scout, NetEcosia and StartPage.com, और 2010 में Blacko, Quell, Yandex और PerisJo। फिर 2010 के बाद जो मेन जो है सर्च इंजन यूज़ किए गए, Yaki, Valinua, Quant, स्विस काउस, यूज़, क्लिक एंड किडल। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन में यहाँ पे जो है सर्च बॉक्स में जैसे ही हम कोई भी आइटम जो है लिखेंगे, उस आइटम से रिलेटेड हमें डिफरेंट वेबसाइट आगे एक लिस्ट आएगी, और उससे हम इस जो है पर्टिकुलर थिंग के बारे में, पर्टिकुलर आइटम के बारे में, पर्टिकुलर वर्ड के बारे में हमें
बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐड टू फेवरेटीज और बुकमार्क, हम कैसे फेवरेटीज और बुकमार्क जो है ऐड कर सकते हैं। फेवरेटीज और बुकमार्क क्या होता है, किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट पे हमें बार बार जाना पड़ता है तो हमें उसका एड्रेस बार टाइप करना पड़ता है, उस एड्रेस बार को और कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। उस एड्रेस बार को बार बार हमें टाइप ना करना पड़े या उन स्टेप्स को ना फॉलो करना पड़े, इसके लिए हम क्या है फेवरेटीज़ और बुकमार्क जो है उसमें ऐड कर देते हैं। तो फेवरेटीज़ जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज़ होता है, बुकमार्क जो है गूगल क्रोम में यूज़ होता है। तो यहाँ हम गूगल क्रोम जो है उसकी वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बुकमार्क की बात करेंगे कि कैसे हम बुकमार्क को ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे CDLU की साइट पे बार बार काम करना पड़ रहा है, तो मुझे CDLU का मैं एक बुकमार्क जो है अपनी इसमें वेब ब्राउज़र में ऐड कर लूँगी। तो इसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ता है, जो ये राइट हैंड साइड में तीन वर्टिकल डॉट्स होती हैं इस पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए ये येलो राउंड बॉक्स में आपको बुकमार्क्स दिख रहा है। इस पे बुकमार्क पे जाके जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको बुकमार्क दिस टैब यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो देन नेक्स्ट आपको ये जो है एक बॉक्स दिखाई देगा और इसे यहाँ पे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा ये बुकमार्क आपका आ जाएगा, इसे आपको डन करना है। जैसे ही आप इस पे डन करते हो तो ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपर साइड में ये एक आपका बुकमार्क ऐड हो जाएगा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो आपको बार बार उसे वेब ब्राउज़र में लिखना नहीं पड़ेगा, जब आप बार बार इस साइट पे काम करोगे तो जैसे ही आप उस वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे तो आपको ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का बुकमार्क अपने आप आए। जैसे ही आप इस बुकमार्क पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट जो है आपकी वो वेबसाइट या आपका वेब पेज वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने वेब ब्राउज़र में फेवरेटीज या बुकमार्क को ऐड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग द वेब पेज, वेब पेज को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पेज को हम किस तरह सेव कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर सेविंग ए वेब पेज इज डेड सिंपल। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और अगर आपको कोई वेब पेज जो है डाउनलोड करना है या सेव करना है तो बहुत ही सिंपल है। जस्ट ओपन अप योर ब्राउज़र, नेविगेट टू द पेज। पहले आप अपने वेब ब्राउज़र को खोलिए, जिस पेज को आपको सेव करना है उस पेज पे जाइए एंड गो टू फाइल एंड सेव पेज, और आपको फाइल मेन्यू पे जाना है। अलग अलग जो है वेब ब्राउज़र में जो मेन्यू फाइल का मेन्यू जो है अलग अलग जगह पे होता है। गूगल क्रोम में आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था जो थ्री वर्टिकल डॉट्स होती हैं उसी में ही आपको फाइल मेन्यू भी मिलेगा। तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, फाइल मेन्यू में जाइए और सेव पेज एज पे क्लिक करिए। सेव इट एज वेब पेज कंप्लीट समवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप उसे सेव करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट पे वो सेव हो जाएगा। यू विल गेट एन HTML फाइल एंड ए फोल्डर फुल ऑफ इमेजेस एंड अदर डाटा कंटेंट विद इन, डोंट डिलीट दिस। जब आप उस पेज को सेव करते हो तो आपकी जो फाइल है HTML फाइल जो है आपकी सेव हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको एक फोल्डर भी आपका क्रिएट हो जाएगा। उस फोल्डर में उससे रिलेटेड जो है CSS फाइल और कुछ इमेजेस आपको मिलेगी, उसको आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आप उसे गलती से डिलीट कर देते हैं तो आप दोबारा उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसका शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल प्लस एस को प्रेस कीजिए तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगी तो ये देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, देन सेव का बटन क्लिक कीजिए और उस वेब पेज को आप आसानी से सेव कर पाते हैं, आसानी से डाउनलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रिंटिंग वेब पेज, हम वेब पेज को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग आउट ए वेब पेज, कुछ स्टेप्स हैं इन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओपन योर वेब पेज, सबसे पहले जिस पेज को आपको प्रिंट करना है उसे ओपन कीजिए। हैव द वेब पेज यू विश टू प्रिंट ओपन इन योर ब्राउज़र, उसे अपने ब्राउज़र में खोलिए। क्लिक मेन्यू, देन मेन्यू में जाइए। इन गूगल क्रोम दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री स्मॉल वर्टिकल लाइंस इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ योर ब्राउज़र। मेन्यू कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइट हैंड साइड में जो है आपके गूगल क्रोम में थ्री डॉट्स होंगी, उस पे जाएंगे आपको वहाँ पे मेन्यू दिखाई देगा और उसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। देन क्लिक प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक कीजिए। वंस द मेन्यू ड्रॉप्स डाउन सेलेक्ट प्रिंट, देखिए ये देखिए ये तीन डॉट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं
तो उसके बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आपको डेस्टिनेशन चूज़ करना है, प्रिंटर चूज़ करना है, पेजेस चूज़ करने हैं, कॉपी कितनी लेनी है, लेआउट करना है पोर्ट्रेट या वर्टिकल, और कलर चूज़ करना है कि आपको कलर प्रिंटिंग लेनी है या ब्लैक एंड वाइट लेनी है। तो इस तरह से आप प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। देन अंडरस्टैंडिंग URL, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर टाइम जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हो या कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एड्रेस टाइप करना पड़ता है, उस वेबसाइट का, उस वेब पेज का एड्रेस टाइप करना पड़ता है। इस एड्रेस को हम कहते हैं URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी टाइम यू क्लिक ए लिंक ऑन ए वेबसाइट और टाइप ए वेब एड्रेस इन टू यूर ब्राउजर, इट्स इज ए URL। URL स्टैंड फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थिंक ऑफ इट लाइक ए स्ट्रीट एड्रेस विच each portion of URL as different parts of the address and each giving you different information। URL का जो हर part एक address की तरह होता है, मतलब कि ये आप अपने घर के पते की तरह भी आप इसको देख सकते हो। जैसे आपके घर का address होता है उसके कुछ parts होते हैं कि कौन सी कॉलोनी में है, आपके house का number क्या है, इसी तरह ही हर website का, हर web page का एक URL होता है जिसे हम एड्रेस की तरह ही करते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। और इस पार्ट्स को हम कैसे एग्जामाइन कर सकते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक URL है http://www.gcfreeandfree.org/reading/grammar/then-or-then, ये एक पूरा जो है URL है। तो इसमें HTTP क्या है, HTTP यहाँ पे एक स्कीम है। देन www.gcfreeandfree.organization जो है यहाँ पे डोमेन नेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कोई और जो हम लेते हैं www.gcfreeandfree.organization, इसमें ये तीन जो है एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम के तीन अलग अलग पार्ट है जिसमें www के सब डोमेन है, जो ये बीच वाला पार्ट है ये सेकेंड लेवल है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप लेवल है। इसी तरह ही जो लास्ट में रीडिंग ग्रामर देन OR देन जो है ये फाइल का पाथ है कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। तो इस तरह से पूरा जो है एड्रेस के पार्ट्स बने हुए होते हैं और हर पार्ट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह ही एक और जो है URL है www.youtube.com/watch, देन इसके लास्ट में कुछ और जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इस लिंक के पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह से URL को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले स्कीम होती है जो HTTP है, या इसकी जगह जो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो इसे हम स्कीम कहते हैं। उसके बाद www.example.com जो है डोमेन नेम है। उसके बाद 80 जो है पोर्ट है, पाथ टू माय फाइल HTML पाथ ऑफ द फाइल है। देन इसके बाद पैरामीटर्स आएंगे, देन इसके बाद एंकर्स आएंगे। तो ये पूरा URL होता है। देन सर्फिंग द वेब, वेब सर्फिंग क्या होता है, Alternatively referred to as web surfing, surfing describes the act of browsing the internet by going from one page to another web page using hyperlinks in an internet web browser. अब internet web browser में एक पेज से दूसरे पेज पर hyperlinks के थ्रू जाते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, web surfing। सारा दिन आप net पे कुछ ना कुछ search करते रहते हो, सारा दिन आप file जो है डाउनलोड्स करते हो, तो नेट पे जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करना, दिस इज नोन एज सर्फिंग, दिस इज नोन एज वेब सर्फिंग। तो द टर्म सर्फिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय मार्क मैकिल। मार्क मैकिल ने पहली बार इस टर्म को इन्वेंट किया था। टू सर्फ द इंटरनेट यू मस्ट हैव ए कंप्यूटर विद एन इंटरनेट ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। तो वेब सर्फिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए विद इंटरनेट, और वेब ब्राउजर होना चाहिए, और इंटरनेट का आपके पास एक कनेक्शन होना चाहिए। यूजिंग ई गवर्नेंस वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ IT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ई गवर्नेंस वेबसाइट जो है कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि जो गवर्नमेंट जो है हमें ऑनलाइन फैसिलिटी दे रही है सर्विसेज की, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन की। तो इस तरह से कुछ वेबसाइट होती हैं जो हमें ये फैसिलिटी देती है।
तो इसमें कुछ जो है सिस्टम बना दिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीज़न, जिसमें इंटरेक्शन होता है सिटीज़न का गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, एज वेल एज बैक ऑफिस प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन विद इन द एंटायर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, जो कि इस पूरे फ्रेमवर्क को चलाते हैं। कुछ ऑफिसेज बना दिए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए। थ्रू ई गवर्नेंस गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन इन ए कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो कुछ ऑफिसेज बना दिए जाते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं, जिससे आप इन गवर्नमेंट सर्विसेज को, इन ऑनलाइन सर्विसेज को आसानी से जो है प्राप्त कर पाते हो या यूज कर पाते हो। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं यूजिंग ई गवर्नेंस वेबसाइट, इन वेबसाइट को यूज़ करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ई गवर्नेंस इज ए फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस वर्ल्ड ओवर, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। दीज चैलेंजेस आर अराइजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के चैलेंजेस हो सकते हैं, या द चैलेंज इंक्लूड सिक्योरिटी ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, सच एज स्पूफिंग, टेम्परिंग, रेपुटेशन, डिस्क्लोजर, एलिवेंट ऑफ प्रिविलेज, डेनियल ऑफ सर्विसेज एंड अदर साइबर क्राइम्स। कुछ साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं या सर्विसेज डिनाई हो सकती है, तो इस तरह के कुछ जो है सिक्योरिटी फीचर्स भी आ सकते हैं। अदर सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सच एज फंडिंग, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजी इशू एंड यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। तो इस तरह की वेबसाइट को चलाने में बहुत इशू आते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज का ही इशू हो सकता है, या सर्विसेज के डिलीवरी का इशू हो सकता है, ऑथेंटिकेशन का इशू हो सकता है, फंडिंग के इशू आ सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं इन वेबसाइट को। तो आजकल ये जो जिस तरह से ये CSC है, इसे हम कहेंगे कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम्स। हर जगह पे छोटे छोटे शहरों में सेंटर्स खोल दिए गए हैं, जिसके थ्रू जो है आप इन सर्विसेज को आसानी से कर पाते हो। आपको कोई फॉर्म भरवाना हो, आपको कोई लाइसेंस बनवाना हो ऑनलाइन, तो आपके पास अगर इंटरनेट की जो है फैसिलिटी नहीं है, तो आप इन सेंटर्स पे जाके आसानी से इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे ये सर्विसेज यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीज़न है, बिजनेस टू सिटीज़न है, एग्रीकल्चर की सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटाइज इंडिया है, एजुकेशन है, डिजी पे है। तो इस टाइप से आप इन सेंटर्स पे जाके, जिन्हें हम कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम्स बोलते हैं, गवर्नमेंट ने अपने सेंटर्स ये जगह जगह पे जो है मेंटेन किए हुए हैं, और इन सेंटर्स पे जाके आप इन जो है सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हो, इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में हमने जो है वेब WW के बारे में पढ़ा है, सर्च इंजन के बारे में पढ़ा है, वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।